एसटीएन लाइव। कि सरकार का प्रोटेक्शन तो केवल इस कम्युनिटी के नहीं, इस देश की सभी कम्युनिटी जो है उनको चाहिए, लेकिन क्या मिल रहा है? सरकार, वर्तमान सरकार की अगर बात करें तो एक कम्युनिटी विशेष को प्रोटेक्शन दे रही है, और जो आज ये कॉन्फ्रेंस हो रही है ये हो रही है एजुकेशन के ऊपर, और एजुकेशन सरकार देना नहीं चाहते, खत्म करना चाहते हैं। वो चाहती है कि इस देश के लोग जाहिल रहें, गंवार रहें, और किसी तरह की एजुकेशन न मिले, क्योंकि एजुकेशन अगर मिलेगी तो आदमी सवाल पूछता है, एजुकेशन मिलेगी तो फिर आपको उसका जवाब देना पड़ेगा कि भाई ये सब जो कर रहे हो आप संविधान के विरोध में क्यों कर रहे हो, और सरकार जवाब देना नहीं चाहती। विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी सवालों से बचते आए हैं, 9 साल में किसी को सवाल का जवाब नहीं दिया, आगे भी वो यही चाहते हैं। और बिना एजुकेशन के कोई भी समाज, कोई भी व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। हो सकता है पैसा कमा ले, लेकिन जिंदगी की बहुत ऐसी चीजें हैं जो इंसान के लिए बहुत जरूरी हैं आगे बढ़ने के लिए हर क्षेत्र में, वो बिना तालीम के, बिना एजुकेशन के संभव नहीं। तो ये जो आज प्रयास हुआ है, फर्स्ट नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, मेरी तरफ से बहुत बहुत सभी को बधाई और एक धन्यवाद भी, इतना बड़ा कदम उठाया। और ये एजुकेशन के लिए हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, शुरुआत हुई है, इसी के लिए सबको, मैं समझता हूँ, मन से न केवल काम करना चाहिए बल्कि सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ देना चाहिए। लोग कहते हैं समय नहीं मिलता, पर आप देखेंगे कि लोगों पास इतना समय है कि घंटों दिनों लोग मोबाइल में ही बिता देते हैं, और कोई काम करते हैं उसी में बिता देते हैं। ईमानदारी से अगर हफ्ते भर में हम एक दिन, पूरे हफ्ते में अगर एक दिन ईमानदारी से निकालने की, ये समाज के लिए काम करना, और अल्टीमेटली समाज के लिए करने का मतलब है कि मेरे लिए होगा, अगर हम ये कर लें तो आप देखेंगे कुछ ही समय में नक्शा बदल जाएगा। पर आदमी काम नहीं करना चाहता, थाली बैठा रहेगा, टीवी देखता रहेगा। सो ईमानदारी से अगर काम करेंगे लोग तो बदलाव जरूर होगा। हमारे पास पैसे नहीं है मानता हूं, लेकिन बूंद बूंद से सागर भर जाता है, सब लोग थोड़ा थोड़ा करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। अगर मान के ही बैठेंगे नहीं है तो अगर होगा भी तो भी नहीं कर पाएंगे आप। अभी जैसे उदाहरण आपने दिया है, झारखंड से हैं आप, इससे बढ़िया उदाहरण क्या होगा? कोई तालीम नहीं थी, लेकिन तालीम का महत्व जाना, और उसके बाद में महत्व जानने के बाद अपने बच्चियों को पढ़ाया, इतनी हायर एजुकेशन दिलवा रहे हैं, और साथ में लोगों को तालीम मिल सके उसके लिए काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम है, सभी को सहयोग देना चाहिए, ईमानदारी से सहयोग देना चाहिए। मोदी जी का कहना कि सबका साथ सबका विकास, तो क्या हो रहा है? बेईमान आदमी, मोदी बेईमान आदमी है, वो सबका साथ सबका विकास नहीं, वो कहता है कि मेरा साथ दो ताकि मैं सबका विनाश कर सकूं, सिर्फ यही काम उसका है, मोदी का और कोई काम नहीं है। झूठ बोलने में इस धरती पर उस जैसा शायद मेरे होश में तो मैंने नहीं देखा है, हर बात में झूठ, हर बात में, पता नहीं सच क्यों नहीं बोलते। तो ये जो चीज है, अगर वो ईमानदारी से काम करते तो उनके पास सारे उसके लिए कम। अभी आपने देखा कर्नाटक में चुनाव है, कर्नाटक के साथी हैं, कोई किला जीत के आए थे मोदी जी, कोई राज्य फतह किया था, कोई जंग जीती थी, 40 किलोमीटर में करोड़ों रुपए के फूल बरसा दिए, नौटंकी काय करे भाई, सीधा सीधा काम, इतने पैसे में वो कितना काम कर सकते थे अगर चाहते तो। आज देश का जो बजट है वो 50 लाख करोड़ पहुंच गया है, 50 लाख करोड़, 50 लाख करोड़ में क्या नहीं कर सकते? सबको एजुकेशन मिल सकती है, हर किसी को, सबको मेडिकल फैसिलिटी मिल सकती है, सबको नौकरी मिल सकती है, पर सरकार नहीं देना चाहती, तो ये स्थिति है। अगले साल चुनाव है, चुनाव का किस नजरिया से? नजरिया बहुत सीधा सा है, बीजेपी को हराओ, बिल्कुल जमीन में गाड़ दो, बहुत सीधे शब्दों में कह रहा हूँ, बीजेपी को, मोदी को हराए बिना आप इस देश का भला नहीं कर सकते। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि कर्नाटक की जीत से उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, अगर केंद्र में 2024 में हराना है तो पहले ईवीएम को हटाना पड़ेगा, सबसे पहले ईवीएम की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अन्यथा आप मोदी को नहीं हटा सकेंगे अगर ये चुनाव ईवीएम से होगा तो। आपका सहयोग किस तरीके से मिल पाएगा?